हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज है दिन, आज कौन दिन है? बृहस्पतिवार। तो मैं, आप सभी देख रहे होंगे कि मैं तैयार हूँ, तो मैं तब से वीडियो नहीं ले पाई हूँ। मेरा स्टैंड टूट गया है और बच्चे लोग को तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अंकित बाहर चला गया है। तो मेरी आज मैं जा रही हूँ शादी में, तो मैं साथ जा रही हूँ शादी में और मैं अभी निकलने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो रही है, तो पैकिंग हो चुकी है, अब हम लोग निकलेंगे। तो आज ही है शादी, तो हमारी मौसी की बेटी का शादी है मंदिर में, तो वहीं पे जाएंगे। तो आप लोग को मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मंदिर का दर्शन ज़रूर कराऊँगी। तो इधर देखिए तैयार हो गए हैं, आकृति बाइक हाई कर दो। तो ये लोग रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और इधर मैं जाऊंगी, इसीलिए मैं निकल रही थी। तो मैं ससुर जी को प्रणाम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो, मेरे ससुर जी मशीन चला रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी दोना बनाने की मशीन चलाते हैं, तो दोना बनाते हैं। तो मैं सास को प्रणाम कर रही थी और ससुर को प्रणाम कर रही थी। नेहा देख, इधर इधर हाय कर, हाय। तो गाइज हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और हम निकल गए हैं। तो हम लोग निकलने की तैयारी कर रही थी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाना वाना खा लिए हैं और निकल गए मंदिर की। और यहाँ मम्मी बैठी है और आकृति, तो मम्मी की गोदी में आकृति बैठी है और अंकित के पापा और अंकित बाइक में गए हैं। तो अंकित को बोले कि हम लोग को साथ जाने, तो वो पापा के साथ गया है बाइक में। तो वो हम लोग के पीछे पीछे ही आ रहे हैं और मेरे भैया भाभी सब आएंगे मंदिर में। गाइस हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दुल्हन बैठी है, गर्मी में बेहाल हो रही है। और यहाँ पे इसकी दीदी, तो ये हमारी बहन है, छोटी मौसी की बेटी। तो दुल्हन से मिल लीजिए, दुल्हन भी हाय कर लीजिए। हाय हाय दुल्हन की दीदी। तो आप लोग को मैं मंदिर दिखाती हूँ, अभी मंदिर नहीं गए हैं अंदर, तो अंदर जाए। देखिए ये मंदिर किस तरह का बना हुआ है, तो ऐसे ही है, ऊपर का पोस्ट और शिव जी का मंदिर है। और अंदर में हम लोग भगवान लोग को नहीं ले पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़के लोग बैठे थे, लड़के वाला पार्टी सब, तो इसलिए हम वहाँ नहीं लिए हैं। और वहीं पे शादी हो रही थी, तो ये बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ दुर्गा मंदिर भी है, शिव मंदिर। तो ये शिव मंदिर का ऊपर का लुक है, बहुत मुझे बहुत ही प्यारा लगा, शिवलिंग का ही रूप दिया गया है। मंदिर काफ़ी शांत था, मतलब वहाँ कोई नहीं थे, बड़ा फील्ड भी था। और शाम के टाइम तो ऐसे नहीं रहता है कोई, तो यही सब लड़का वाला पार्टी सब आ गए थे और इधर शादी हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं मौसी की बेटी के साथ, और यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ली हूँ। ज़्यादा लूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो यहाँ पे जो नियम था तो वो कर लिए हैं। और इधर देखिए हम लोग का जो ये मोर, यही लड़का तरफ से, ये ऐसे ही हम लोग का रिवाज है, ऐसे ही मोर पहना जाता है लड़का वाले। और यहाँ पे शंख दान में बेटी का विदा कन्यादान कर रहे हैं। और इधर यहाँ पे शंख में जल दान होता है, तो जो हमारे लड़के तरफ से होते हैं भाई लोग, तो यही बेटी का कुल दान करते हैं, मतलब दूसरे कुल में चल जाती है। इसीलिए हम लोग का यही पे, यहाँ का हम लोग का रीति रिवाज है। उसके बाद सिंदूरा दान होता है, तो मैं सिंदूरा दान की वीडियो नहीं ले पाई हूँ। इनके पापा निकल गए थे घर के लिए और मैं उनके साथ थी, अपनी बहन के साथ। तो मेरे भाभी लोग भी वीडियो नहीं ली, क्योंकि रोना धोना चल रहा था, तो नहीं ले पाए हैं। और देखिए सबको एक एक करके आएंगे भैया लोग, और ये मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा भी यहाँ पे आ रहे हैं शंख में पानी देने के लिए। तो ये शंख हम लोग का जो ये मेन रीति रिवाज है, क्योंकि यहाँ बेटी एक कुल से दूसरे कुल कर में जानती है, इसलिए यहाँ पे ये रीति रिवाज हम लोग का चलता है। तो काफ़ी बहुत लंबी हो जाती, तो मैं कुछ काट काट के ही ली हूँ। तो मेरी भाभी लोग भी आ गई थी, तो यहाँ पे है मेरे भैया भी आएंगे, देखिए वो मेरे बड़े भैया भी आ रहे हैं, और एक भैया मेरे नहीं गए थे। और इसके बाद मेरा मौसी का बेटा, सब जो जो हैं उनके सब यहाँ पे पान शंख में दान देंगे। और यहाँ पे मेरा भतीजा मेरे साथ है, यहाँ जो हल्ला कर रहा है ये कहते समय, ये जो ऊपर उठता है इससे ही आता है। तो बस, और उसके बाद विदाई हो जाएगी। तो मैं, काफ़ी अंधेरा हो गया था तो मैं नहीं ली हूँ, और रोना धोना चल रहा था तो मैं उस टाइम नहीं ले पाई हूँ इमोशनल के टाइम। तो यही मेरा वीडियो है आप सभी के साथ, मैं शादी वाली शेयर की हूँ। तो ये मेरी अपनी ही मौसी की बेटी है, और ये मेरा मौसा का बेटा है। उसके बाद ये सब हो जाएगी, उसके बाद सिंदूरदान का नियम होता है। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपना मैके, और हमारे मैके में थोड़ी लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ मेरी लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे। और मैं मौसी के यहाँ नहीं गई थी, बच्चे लोग बोले कि मामा घर जाएंगे, तो हम लोग मम्मी लोग गई थी शादी में, तो वहीं पे हम लोग यहीं आ गए हैं। और इनके पापा घर चले गए हैं, तो कल आएंगे वो,
और हमारा मायके में कल पूजा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ही आ गई हूँ। और मैं आज मैं वीडियो में सिर्फ मैं शादी का ही दिखाई हूँ, तो मेरी वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आती है, यदि शादी पसंद आई है तो यदि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय करती हूँ इसको, बाय बाय।